मैं पालनपुर में और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन पालनपुर, अ प्रोजेक्ट बाय यूनिवर्सल अलायंस। यहाँ से इसका एंट्री गेट और यहाँ से इसकी एग्जिट गेट, और लोकेशन वाइज और कनेक्टिविटी वाइज भी काफ़ी प्राइम है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पास में सभी कॉमर्शियल, लोकल मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब कुछ यहाँ पे नियर बाय है। यहाँ से आप स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेंगे तो आपका नक्षत्र एम्बेसी आएगा और राइट साइड पे आपका राज कॉर्नर आएगा। यहाँ पर है सामने राजन्स प्लेटिनम प्लाजा। आइए मैं आपको अंदर से दिखवा देता हूँ। यहाँ से इसकी एंट्रेंस और यहाँ पर आपको नीचे बेसमेंट पार्किंग भी मिल जाती है। 2 car parkings आर अलॉटेड पर फ्लैट। ये टोटल 2 towers की सोसाइटी है। यहाँ पर है A tower और यहाँ पर है B tower। टोटल 14 stories अपार्टमेंट है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बिल्डिंग का एलिवेशन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये दोनों टावर्स के बीच के पोर्शन में यहाँ पर पूरी एमिनिटीज डेवलप की हुई है। ये पूरा 4000 स्क्वायर फीट का ह्यूज गार्डन है और टोटल एरिया ये अप्रॉक्स 6500 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर ये सारी एमिनिटीज है। यहाँ पर है साइड पे जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग एरिया। यहाँ पर एक किड्स प्ले एरिया। यहाँ पर है सामने इंडोर गेम्स। यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की गेम्स है, जैसे कि कैरम, चेस, पूल एंड स्नूकर, टेबल टेनिस। और ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। 25 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर रहने के लिए आ गई है और काफ़ी लोगों का यहाँ पे फर्नीचर का काम ऑलरेडी चालू है। अ प्रोजेक्ट बाय यूनिवर्सल अलायंस। यहाँ पर है सोसाइटी का जिम्नेशियम। फुल्ली इक्विप्ड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, आप देख सकते हैं सभी तरह के यहाँ पे इक्विपमेंट्स है और ऑलरेडी ये रनिंग है। इसके अलावा यहाँ पे दोनों टावर्स के टेरेस पर भी आपको गार्डन एरिया डेवलप करके मिल जाता है, जिसमें आपका गजीबो सिटिंग, योगा के लिए स्पेस, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा टेरेस पर। अभी हम इस प्रोजेक्ट के टेरेस पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पूरा आर्टिफिशियल गार्डनिंग किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर है गजीबो सिटिंग और यहाँ पर आजू बाजू में काफ़ी अच्छा प्लांटेशन किया हुआ है, दोनों तरफ गजीबो है। बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, इम्पेकेबल व्यू। यहाँ पर है योगा के लिए पूरी डेडिकेटेड स्पेस, आप यहाँ पर ओपन एयर योगा कर सकते हैं। यहाँ पर है सोसाइटी का रिसेप्शन एरिया, गुड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सर्विलियंस। और टोटल 3 elevators है यहाँ पे, 2 elevators यहाँ पर है और 1 elevator सर्वेंट के लिए अलग से दी हुई है। आइए मैं आपको ऊपर से दिखवा देता हूँ। चेकिंग आउट 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन पालनपुर सूरत। ये इसका सैम्पल फ्लैट है जो कि हम चेकआउट करेंगे। 1955 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया। यहाँ पर है इसका लिविंग एरिया। यहाँ पर है आपके सिटिंग। यहाँ पर है आपका डाइनिंग एरिया और फ्लोर टू सीलिंग 10 फीट की हाइट है।
अप्रोक्स 1115 स्क्वायर फीट आपको कारपेट एरिया मिलेगा इसमें। यहां पर है सामने आपका टीवी पैनल और लिविंग एरिया से कनेक्टेड यहां पर डेक है जो कि काफी स्पेशियस है और ये फुल लेंथ फ्रेंच विंडोज मिल जाती है आपको। आप देख सकते हैं अप्रोक्स 90 स्क्वायर फीट की पूरी डेक मिल जाती है आपको। 3 BHK फ्लैट्स में जनरली देखने को नहीं मिलेगा ये आपको। यहां पर बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और ये पूरा ओपन एरिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपका जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, आपको जो फ्लैट है वो एम्प्टी कंडीशन मिलेगा, सिर्फ नीचे आपको फ्लोरिंग मिलेगी, वॉशरूम में फिटिंग्स। यहाँ पर है स्पेस फॉर योर रेफ्रिजरेटर। यहां पर है आपका प्लेटफॉर्म। और यहां पर विंडो भी है फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। आपको गैस लाइन और साथ में RO मिलेगा। और यहां पर इन्होंने एज अ स्टोर इसको सेट किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इंटीरियर के भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं ये फ्लैट से कि किस तरह से आपको अपना फर्नीचर पूरा डिज़ाइन करना चाहिए। ऊपर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टोरेज का यूज़ किया हुआ है कैबिनेट्स वगैरह बना के। यहाँ पर है वॉशिंग एरिया, आप देख सकते हैं इजीली आपकी वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर आ सकती है। अभी हमने लिविंग एरिया, किचन एरिया एंड डेक ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम, ये गेस्ट रूम है। यहाँ पर राइट साइड में है कॉमन टॉयलेट और यहाँ पर है रेस्ट ऑफ द 2 रूम्स जो कि मास्टर बेडरूम है। आइए मैं आपको 1 by 1 दिखवा देता हूँ। यहाँ पर है कॉमन वॉश बेसिन, कॉमन वॉशरूम और सभी आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगी कोलर कंपनी की जो कि काफ़ी एक प्रीमियम ब्रांड है और ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम, ये गेस्ट रूम है। आप देख सकते हैं रूम का साइज काफ़ी स्पेशियस है, डिसेंट साइज। यहाँ पर है स्पेस फॉर योर वार्डरोब। यहाँ पर आपका सामने टीवी पैनल बन सकता है। यहाँ पर है ड्रेसिंग एरिया और यहाँ पर है स्टैंडिंग बालकनी। यहाँ पर आप फ्लावर बेड वगैरह लगा सकते हैं और ये नेक्स्ट रूम तक कनेक्टेड है जैसे कि आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज और लोकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा है, ये सब कुछ यहाँ से नियर बाय है। यहाँ पर है सेकेंड बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। और बेड आने के बाद में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है आपको सब जगह। यहाँ पर है स्पेस फॉर योर वार्डरोब और यहाँ पर ही इन्होंने ड्रेसिंग एरिया बनाया है। और यहाँ पर है स्टैंडिंग बालकनी।
यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम, वॉशरूम में आपको ज़्यादा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, सभी फिटिंग्स और सब कुछ आपको वॉशरूम में लगा के देंगे। यहाँ पर इन्होंने ड्राई एंड वेट एरिया सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पर है थर्ड एंड द फाइनल बेडरूम, ये भी मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हैं रूम का साइज। यहाँ पर है स्टैंडिंग बालकनी, यहाँ पर है स्पेस फॉर योर वार्डरोब, Exclusively designed, और ये ready to move in project है। और आप यहाँ पे quality of construction जो है और quality of work है यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर attached washroom। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी टूर्स एंड विजिट्स। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर बेस्ट रेट्स डू कॉन्टेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढो। यू कैन ऑल्सो फाइंड अस ऑन इंस्टाग्राम @ प्रॉपर्टी ढूंढो। हैप्पी इन्वेस्टमेंट टू ऑल।